सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने रविवार को इस संबंध में अध्यादेश जारी किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल का होता है। सरकार के इस फैसले के बाद दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल तक के लिए तय होता है और कुछ मामलों को छोड़ दें तो कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इस अध्यादेश से पहले तक सरकार इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा भी सकती थी। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था। आपको बता दें, केंद्रीय सतर्कता आयोग 2021 नाम का अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले ही लाया गया है। ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है और उम्मीद है कि केंद्र सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश कर सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में सीबीआई में फिलहाल आपको बता दें 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने मई 2021 में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था और ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय की कमान आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा के पास है। आपको बता दें, मिश्रा को नवंबर 2018 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही मिश्रा का 2 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा।